राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला के रिज मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौजूद रहे। इनके साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित और भी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम ने महात्मा गांधी के शिमला प्रवास का वृत्त चित्र भी जारी किया, जिसमें महात्मा गांधी कब शिमला आए, कहां ठहरे, उसका विवरण दिया गया है। इस मौके पर नगर निगम द्वारा स्वच्छता पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सीएम ने अवलोकन किया। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत शिमला नगर निगम द्वारा किए गए कार्य को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसके बाद तारघर के समीप पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है और हिमाचल सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। इसके तहत नशा मुक्ति और स्वच्छता के तहत कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और स्वच्छता को लेकर संदेश दिया था, लेकिन उसके बाद इस पर काम नहीं किया गया और पीएम मोदी ने स्वच्छता को फिर से एक आंदोलन का रूप दिया और गांधी जी के संदेश को आगे बढ़ाया। गांधी जी के जाने के बाद वो संदेश जो है काफी हद तक जो है वो जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाना चाहिए था उसमें कमी रही, और मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और उन्होंने गांधी जी के जीवन के उस सार को जो है लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए स्वच्छता के इस कार्यक्रम को एक आंदोलन का रूप दिया है, और आज पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता के लिए जो अभियान चलाया वो एक जन आंदोलन बनकर के रह गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये पूरे देश की ही बात नहीं, आज मोदी जी पूरे देश भर में, दुनिया भर में, देश में नहीं दुनिया भर में जो है स्वच्छता के इस मिशन के लिए अलग पहचान के साथ जाने जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर जहां मैं महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और वहां मैं उनके जीवन से स्वच्छता का ये संदेश आम आदमी तक, घर घर तक पहुँचे, इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। हमारी नई जनरेशन, हमारी नई पीढ़ी जो है उनको अगर सही मायने में, सही दिशा में अगर ले जाने की आवश्यकता है, चलाने की आवश्यकता है और नशे से बचाने की आवश्यकता है, तो ये आज की आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक आंदोलन और वो ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और उस दृष्टि से ये कार्यक्रम आज का जहां स्वच्छता का है, स्वच्छता के साथ साथ में हम जो है वो ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी देकर बच्चों की रैली को रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।